परीक्षा पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही। अगर आप अपने इस चैनल कोड IndianV40 यूज़ करते हो तो आपको सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जिसका पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया। ऊपर आई बटन पर आप देख लेना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर लेना, वहाँ पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये पार्ट टू, पार्ट टू में भी 20 क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे 10 भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ने भी हमारे के लिए भी रखे हैं, तो वो थोड़े आसान क्वेश्चन है। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये यार 500 क्वेश्चन में से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। या आप मत सोचना कि एक दिन की तैयारी है, पिछले 4 महीने से यह तैयारी चल रही हो। मैं सोचा था जिस महीने एग्जाम होगा उस 1 महीने पहले ये सीरीज स्टार्ट करेंगे और पूरे 1 महीने ये सीरीज चलेगी, जिससे आपका बहुत फायदा होगा और आप मुझे भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है लेकिन ये सीरीज मैं चालू रखूंगा और कंप्लीट भी करूंगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वैसा निम्न में से किसके कारण होता है? सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इट्स ड्यू टू अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर इसकी कमी के कारण, या फिर कोई अन्य बल। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना 21 का ए बी, इस तरीके से जवाब देना हर एक क्वेश्चन का। लास्ट में आप ये भी बताना कि 20 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए। याद रहे जब भी मैं इसका रिविजन करवाऊँ या फिर टेस्ट लूँ तो आपके टोटल में से टोटल सही होना चाहिए। सिर्फ आप वीडियो देख के ये बता के कि सर मेरे 20 में 10 सही हुए चले नहीं जाना, 20 के 20 आपको रट के जाना है। तो गाइज ये होता है आपका केंद्रीय भिमुखी बल के कारण, जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह आपका केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 22 है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द आर द स्वीटेस्ट सुगर्स। देखो यहाँ पे जो सारी सुगर्स हैं वो सारी मीठी होती हैं, ठीक है। सुक्रोज भी मीठी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारी मीठी होती हैं। और इनमें से आपको बताना है जो सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी है। तो याद रखना आपका फ्रक्टोज इनमें से सबसे मीठी शर्करा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? खमीर से, शैवाल से, फफूंदी से, या फिर लाइकिन से। तो पेनिसिलिन आपका इज ऑप्टेंड फ्रॉम, पेनिसिलिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम, तो गाइज इसका सही जवाब है फफूंदी, फंगस से प्राप्त होता है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जवाब आप में से सभी को बताना चाहिए। 21 का बताना आप, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे जा रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, या फिर समान वेग से नीचे आ रही हो। इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट व्हेन ही फील दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीज, तो गाइज इसका सही जवाब है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, चार हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो लिखा है स्कॉर्बिक अम्ल नींबू, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सही है, ठीक है। माल्टोज माल्ट ये भी सही है, ठीक है। एसिटिक अम्ल दही ये आपका गलत है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी ये आपका सही है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी एस्टिक अम्ल जो कि आपकी कर्ड के साथ मैचिंग में है, जो कि गलत है क्योंकि दही में आपका एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होता तो ये सही होता, लेकिन एसिटिक अम्ल है तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो आपको बताना है कैसी होती है? द एनर्जी ऑफ विंड इज केवल स्थितिज, केवल गतिज, या फिर वैद्युत स्थिति तथा गतिज दोनों। द एनर्जी ऑफ अ विंड इज ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिक, या फिर पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। तो इसका सही जवाब है जो हवाओं की ऊर्जा होती है गाइज वो होती है केवल गतिज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता? फेदोमीटर इज यूज टू मीजर भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। तो गाइज याद रखना फेदोमीटर का यूज होता है आपका समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है। लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द्रव्यमान, लंबाई, समय, या फिर ताप, ठीक है। लोलक की जो कला विधि होती है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, या फिर तापमान के ऊपर। तो याद रखना जो पेंडुलम होता है उसकी जो टाइम, उसका जो टाइम पीरियड होती है वो उसकी लेंथ पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्त के
थक्के जमने का कारण आपको बताना है, इट कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, चार ऑप्शन है, उनमें से आप में से काफ़ी लोग जवाब देंगे हीमोग्लोबिन, जो कि गलत जवाब हो जाएगा। रक्त के थक्के जमने का कारण होता है गाइज थ्रोम्बिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। थ्रोम्बिन के कारण रक्त का थक्का जम जाता है, आपकी चोट लग जाती है, खून निकलता है, कुछ देर बाद जो थक्का जम जाता है वो आपका थ्रोम्बिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस तत्व के, देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तत्व के परमाणु, देखो जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है तथा दो इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। कोई भी तत्व उसके नाभिक में कौन कौन से आपके परमाणु होते हैं, सॉरी उसके परमाणु में कौन कौन से होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये नाभिक है, इसमें दो प्रोटॉन या उस, ये मान लो, चलो मैं आपको सीधे समझाता हूँ, कोई भी ये तत्व है इसके नाभिक में, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है और द्रव्यमान संख्या पूछी गई, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, है ना, तो द्रव्यमान संख्या बराबर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मतलब कितने हो जाएंगे, चार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई भी काम नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है, जंग लगने पर लोहे का, देखो यहाँ पे लिखा भार बढ़ता है, ठीक है, इसको काट दो, ये गलत लिख गया है, तो अब आपको बताना है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, फिर अनिश्चित होता है, इन द केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, फिर अनिश्चित रहता है। तो गाइस जंग लगने पर लोहे का भार, आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि घट जाता है, जो कि गलत जवाब है, जंग लगने पर आपको लोहे का भार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आप बुक में पढ़ लेना, आप गूगल कर लेना, आप कहीं भी कर लेना, आपको जवाब यही मिलेगा, बट आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि ये गलत है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, मोमबत्ती का जो जलन है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो मोमबत्ती का जो जलन या दहन है गाइज वो आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, मीबोमियन ग्रंथि, जो आपकी मीबोमियन ग्लैंड है वो कहाँ पर होती है, आँख में, कान में, नाक में, त्वचा में, तो आंसर आपने देख लिया कि मीबोमियन जो ग्रंथि होती है वो आपकी आँख में होती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आपको पहले नहीं पता रहे होंगे तो याद कर लेना। पाँच जगत, देखो पाँच जगत वर्गीकरण किसने किया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय विटेकर, हैकेल, लीनियस या फिर कोपलैंड, तो पाँच जगत वर्गीकरण आपका विटेकर ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो, रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, तो जो रासायनिक दृष्टि से जो आपका सिंदूर होता है गाइज वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। आप जाइए किसी भी शॉप में बोलिएगा कि सर मर्क्यूरिक सल्फाइड दे दीजिए, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, जब आप उसे बताएंगे कि सिंदूर दे दीजिएगा तो आप पे जरूर हंसेगा, ठीक है। तो याद रखना रासायनिक दृश्य सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है और ऐसी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है आपको बताना है, होम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज सैमुअल हाहे मान, हिप्पोक्रेटस, चरक या फिर सुश्रुत, तो इसका सही जवाब है होम्योपैथिक के जो संस्थापक है वो है आपके सैमुअल हाहे मैन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है सैमुअल हाहेमान, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, जो आपका गिरगिट होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलता है, द कलर चेंज इन द कैमेलियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, वर्ण क्लवक, क्लोरोफिल या फिर वातरंध, तो गाइस जो आपका गिरगिट होता है वो आपका वर्ण किलवक के कारण आपका रंग बदलता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, द विटामिन अवेलेबल फ्रॉम द सन रेज इज, आसान क्वेश्चन है, विटामिन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, वर्णांधता वाले आदमी को, देखना अच्छा क्वेश्चन, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई पड़ता है, टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर येलो ग्रीन ब्लू पर्पल, तो इसका सही जवाब है, जो वर्णांधता होता है किसी भी व्यक्ति को तो उसको जो लाल रंग होता है उसको हरा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो काहे का होता है, आप ये भी
क्वेश्चन आप बोलोगे कि मैंने गलत बताया, पीछे एक क्वेश्चन था वो भी आप जंग लगने वाला कि लोहे का, लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ता ही घटता है, तो आप में से बहुत लोग बोलोगे कि घटता है जो कि गलत है जबकि बढ़ता है। सेम चीज़ आप इसमें भी बोलोगे, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, आपको पहले बताना है कि अस्थियों का, शरीर के अंगों का, त्वचा व अंगों का, फिर जल का, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो गाइज इसका जो देखो सही जवाब है, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना है वो आपका जल का बना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मुझे पता है आप लोग बोल लोगे गलत है लेकिन यही सही है गाइज, जो हमारा शरीर होता है तो उसका जो सबसे अधिकतम भार होता है वो जल का होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो एडल्ट होते हैं उनका जो जल का परसेंटेज होता है, भार का परसेंटेज, वो 60 से 65 रहता है। जो आपके बच्चे होते हैं उनका 70 से 75 रहता है परसेंट आपका भार का, जल का, और जो महिलाएँ होती हैं उनका 56 से 60% होता है। तो सबसे ज़्यादा भार आपका समझ गए होगे जल का ही होता है, चाहे महिलाओं में ले लो, चाहे शिशु में ले लो, चाहे एडल्ट्स में ले लो, है ना। तो जल का इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैसे लगे ये क्वेश्चंस मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से 20 बेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में थे, बाकी आपको पता नहीं क्या पढ़ना है क्या चाहिए। बाकी मैं देखो ये सीरीज अभी तैयार नहीं की गई, बहुत टाइम से मैं इस पर मेहनत कर रहा था, तैयार कर दी है, कंप्लीट करूंगा और इसके रिजल्ट आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, सपोर्ट करिए यार, आपके पास कोई भी ग्रुप है, फेसबुक पेजेस है यार, शेयर करूँ वीडियोज़ को, ठीक है। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट, टेक केयर।